ये हेंडरसन हेजलवाल्ज इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के थ्रू जो होता है हम बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन करने के लिए हेंडरसन हेजलवाल्ज ने इक्वेशन दिया था। तो आइए वो इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम पीएच जो है डिटरमाइन करते हैं आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। तो ये वीक एसिड CH3COOH और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट, तो CH3COONA। ये इसका जो कंपोजिशन होता है, ये जो कंपोजिशन है ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो वीक एसिड जो होता है CH3COOH, ये फैबली ऑर्गेनाइज होता है CH3COO नेगेटिव में एंड H पॉजिटिव में। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ऑर्गेनाइज होता है। अब ये जो होता है सॉल्ट जो होता है CH3COONA, ये जो होता है ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होता है CH3COO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होगा वो 100% आयनाइज जो आपका सॉल्यूशन है उस पर कभी नहीं लगता। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करते हैं जो वीकली आयनाइज होते हैं उनके लिए। तो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, इधर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तो 100% आयनाइज है। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो के चूंकि ये एसिड है तो के कॉन्स्टेंट हो गया, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO, ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब H पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, यहां पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ये Ka, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन। अब हमको क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड। Taking log both side, तो minus log H positive equal to minus log, ये K हो गया, ये CH3COOH हो गया और ये CH3COO negative हो गया। तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव इक्वल टू माइनस लॉग के माइनस लॉग CH3COO एच कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव को हम बोलते हैं पीएच, ये माइनस लॉग के ये पीटीए कहलाएगा। ये जब प्लस लॉग लिखेंगे हम तो ये ऊपर चला जाएगा, तो CH3COO नेगेटिव एंड CH3COOH। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हेंडरसन हेजलवेल्ज इक्वेशन कहलाता है। इस फॉर्मूले के थ्रू होता है हम पीएच जो है डिटरमाइन करते हैं, किसका, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है वो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। अब जो आप ये देख रहे हो CH3COO नेगेटिव, ये एसिड है तो इसका
हाइड्रोजन निकलने में नेगेटिव पार्ट क्या होगा, CH3CO नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन जो लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस log कंजुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन और एसिड कॉन्सेंट्रेशन, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं pKa प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब यार यहाँ पे हमने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है CH3CO नेगेटिव जो ये आयन आया, अब ये तो वीकली आयनाइज्ड है तो ये तो बहुत कम आयनाइज होगा, तो इसके आयन तो बहुत कम होंगे, और ये जो एस जो आपका CH3CO नेगेटिव जो आयनाइज हुआ था 100% आयनाइज हुआ, तो CH3CO नेगेटिव जो होगा तो CH3CO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन मेनली किसके कारण होगा, इस सॉल्ट के कारण होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं और ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले के थ्रू हम पीएच जो निकाल सकते हैं किसका, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो जो हमारा फॉर्मूला आया था पीएच इक्वल टू pKa प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर हम कहते हैं कि इफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और एसिड कॉन्सेंट्रेशन इसका जो रेशियो जो है वो 10 आता है, तो pH इक्वल टू pKa प्लस log 10, तो pH इक्वल टू pKa प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं इफ सॉल्ट और एसिड इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1/10 आता है, तो pH जो होगा pKa प्लस log 1/10, तो pH जो होगा वो pKa माइनस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि log 1/10 की वैल्यू जो होती है वो माइनस 1 होती है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो चलिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, CH3COOH और CH3COON इसका बफर सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब pH इक्वल टू pKa प्लस 1 और pH इक्वल टू pKa माइनस 1, तो इसका मतलब ये है कि CH3COOH इसके लिए pKa वैल्यू जो होती है वो 4.8 होती है, तो ये जो बफर सॉल्यूशन होगा तो इसका जो पीएच रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो इसका जो पीएच जो होगा ये 4.8 प्लस 1 कर देंगे तो ये 5.8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.8 और माइनस 1 कर देंगे तो ये 3.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एसिडिक एसिड का एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो पीएच जो रेंज है वो होनी चाहिए 3.8 टू 5.8 होनी चाहिए, ठीक है, अगर इस रेंज का
अगर इस रेंज का सॉल्यूशन बन रहा है तो वो वक्र सॉल्यूशन होगा।